जिला मुख्यालय पर बेरोजगार एकत्रित होकर पहुंचे कलेक्ट्रेट, जहां पर जमकर नारेबाजी कर भोपाल में बेरोजगारों द्वारा रोजगार के लिए प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठी चार्ज का विरोध कर पुलिस द्वारा जिन प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनकी एफआईआर वापस लिए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोजगार की मांग को लेकर बुधवार को प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी बेरोजगार युवाओं पर उस वक्त लाठीचार्ज शुरू किया जब इन प्रदर्शनकारियों ने खाली पड़े शासकीय पदों को भरने और उन्हें नौकरी देने की मांगों को लेकर समर्थन में भोपाल शहर के नीलम पार्क से मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च शुरू किया। लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने नारेबाजी कर रहे इन युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से भोपाल में मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के झंडे तले एकत्रित हुए थे। इन बेरोजगार पर लाठीचार्ज की घटना जो हुई है उस घटना के विरोध में आज बड़वानी कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर बेरोजगार युवा ने धरना देकर ज्ञापन दिया और ज्ञापन में दोषी पुलिसकर्मी पर कार्यवाही की मांग व बेरोजगार युवाओं पर हुई एफआईआर वापस लेने की मांग की गई है और मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। प्रकाश बंडोड़ जी, आज विरोध में आपने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन किया। जैसे आप सभी जानते हैं कि कल प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश के बेरोजगार युवा रोजगार मांगने के लिए गए थे तो प्रदेश सरकार जो शिवराज के आदेश पे उन युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई और लाठियों के साथ में उनके ऊपर प्रकरण भी दर्ज किया गया तो उसके विरोध में आज हम यहाँ पर बड़वानी में पूरे युवा इकट्ठे हुए और जो प्रकरण दर्ज किया गया है उसको वापस लेने और जो युवा रोजगार मांग रहे हैं तो रोजगार दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश में विगत 4 वर्ष से कोई वैकेंसी नहीं निकली है। आज युवा पढ़ पढ़ के पूरा मतलब ओवरेज हो गए है और डिप्रेशन में जा रहे हैं। कहीं युवा यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर रहे हैं। कल की घटना धार जिले की है तो युवा मतलब रोजगार नहीं मिलने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। लाठी बरसाए पुलिस जो दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और जो निर्दोष जो युवा है उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है उन्हें तत्काल प्रदेश सरकार वापस ले, अन्यथा प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।